ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का लॉन्च बहुत करीब है और आपने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। अभी अभी उन्होंने प्री बुकिंग भी स्टार्ट किया है 499 रुपीज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो जिन लोगों को पता नहीं, ओला ने एटिरगो नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया था जिन्होंने ये ऐप स्कूटर बनाया है। तो ओला क्लेम करती है कि ये स्कूटर बेस्ट इन क्लास रेंज प्रोवाइड करेगी और एक 6 किलोवाट मोटर के साथ आएगी, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये 240 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करेगी। तो वो सब अभी हम देखेंगे। एटिरगो ने जब ऐप स्कूटर लॉन्च किया था तो उन्होंने शोकेस किया था कि ये 240 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करेगा 20 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, ये तो इंडियन कंडीशन में प्रैक्टिकली नहीं है, पर बेस्ट पार्ट मुझे उसका बैटरी का डिज़ाइन लगा। ये कुछ ऐसे दिखता है और 3 बैटरी मॉड्यूल आप एक साथ लगा सकते हो, फिर भी आपको 2 हेलमेट रखने के लिए बूट स्पेस बच जाता है। हर बैटरी मॉड्यूल 2.25 किलोवाट आवर की है और आप इनको सेपरेटली खरीद के रेंज एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अब हम डीकोड करेंगे मोटर पावर और रेंज को। अब एक 6 किलोवाट मोटर एथर से भी डबल नहीं भाई। एटिरगो का साइट अभी डाउन है, पर हमने पहले ही स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो एटिरगो का साइट में क्लियरली मेंशनड है कि 6 किलोवाट मैक्सिमम या फिर पीक पावर है और कंटिन्यूस पावर 3 किलोवाट है। तो पीक पावर अलग होता है, कंटिन्यूस पावर अलग होता है। वैसे तो एथर के वेबसाइट में भी आप 450X को 6 किलोवाट पीक पावर में देख सकते हैं, पर उसका नॉमिनल पावर 3.3 किलोवाट है। तो अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और एथर 450X का मोटर पावर लगभग सेम हो गया, पर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का टॉप स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि उसका ड्राइव रेशियो जो है वो कम है कम्पेयर टू एथर 450X। इससे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का टॉप स्पीड बढ़ जाता है पर टॉर्क कम हो जाता है। तो अब हम पता लगाएंगे कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज क्या होगा। तो एथर 450X का क्लेम टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, और हम अज्यूम करेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक का टॉप स्पीड होगा 100 किलोमीटर पर आवर। पर यहाँ ओला इलेक्ट्रिक के तीनों बैटरी मिला के 6.75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक बनता है और एथर का 2.6 किलोवाट आवर। तो जो भी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स मोड में है। तो एथर 450X का मोटर पावर बनता है 3.3 किलोवाट, टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और बैटरी 2.6 किलोवाट आवर। तो ये सब वैल्यूज लेके अगर हम कैलकुलेट करें तो एथर 450X का रेंज बनता है 63 किलोमीटर स्पोर्ट्स मोड में, और एथर के वेबसाइट में भी 60 किलोमीटर क्लेम्ड है, विच इज़ वेरी क्लोज एनफ। अब इसी मेथड को यूज़ करके ओला इलेक्ट्रिक का रेंज कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा कि ये भी स्पोर्ट्स मोड में है। तो ओला इलेक्ट्रिक का एक बैटरी मॉड्यूल 2.25 किलोवाट आर का है और मोटर 3 किलोवाट का। तो हम अज्यूम करेंगे इसका टॉप स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगा, और अगर हम सेम फार्मूला सप्लाई करें तो रेंज 75 किलोमीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर तीनों बैटरी मॉड्यूल हम मिलाएंगे तो 225 किलोमीटर रेंज मिलेगा। याद रखिएगा कि ये भी स्पोर्ट्स मोड में है। इको मोड का रेंज हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि पावर और स्पीड का क्या लिमिटेशन है इको मोड में। अब ये सब थियोरेटिकल कैलकुलेशंस है, दोनों स्कूटर्स में बहुत डिफरेंस है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में AC इंडक्शन मोटर यूज़ किया जाता है जिसकी एफिशिएंसी थोड़ा कम है कम्पेयर टू BLDC, जिससे उसका रेंज भी थोड़ा कम हो सकता है अराउंड 200 to 210 किलोमीटर, और ईच बैटरी पैक में अराउंड 60 to 70 रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्पोर्ट्स मोड में। अब इनका बैटरी केमिस्ट्री भी कुछ अलग है, उसके बारे में खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर AC इंडक्शन मोटर का एडवांटेज ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग करने में आसान है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जिससे ओवरऑल व्हीकल का प्राइस कम हो जाएगा। और ओला इलेक्ट्रिक का जो मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे ओवरऑल प्राइस बहुत कम हो सकता है। आप एक सिंगल बैटरी वर्जन को अराउंड 90,000 to 1 lakh प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। हम ऐसे ही ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ को डीकोड करके वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस चेकआउट कीजिए। अगर वर्थ इट लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर।